इजी कुकिंग भाई परमजीत कौर फ्रॉम मोहाली भी थोड़ा स्वागत है। आज असि आलू पनीर मसाला बनावांगे। इनू बनाने वास्ते जो जो चीज की जरूरत है एक एक करके असं तुहानू दिखाने। ये देखो 200 ग्राम पनीर है, असं छोटे छोटे पीसिस इनू असी कट लिया। तो एक आलू असं 150 ग्राम ले हैं, कटिंग तो बाद 150 ग्राम वेट है। प्याज नू असी ग्रेट कर लिया तो यह वेट 80 ग्राम है। टमाटर नू भी असी ग्रेट कर लिया तो यह 130 ग्राम वेट है। तो 5 ग्राम असी लसन ग्रेट किया। तो ये वास्ते जो मसाले यूज होने, नमक, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, काली मिर्च, थोड़े जे हरे धनिए के पत्ते, तो ये थोड़ा जहा सुक्का धनिया, ड्राई धनिया सीड्स यूज करांगे। तो देसी घी असी इन बनावांगे, असी देसी घी बनावांगे। तुसीं अपने टेस्ट मुताबक कोई भी घी, कोई भी ऑयल यूज कर सकते हो। तो असी हुण बनाना शुरू करते हैं। देखो देसी घी असी इहदे च ऐड करता जी। ये 2 टेबल स्पून देसी घी है, बाकी अपने टेस्ट मुताबक माड़ा मोटा घट वध पा सकते हो। जिवें ते साडा घी गर्म हुंदा ते इहदे च असी प्याज ऐड करांगे। साडी रैसपी जे अच्छी लगे, पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दिओ। प्याज असी इहदे च ऐड कर दिते हैं, इहनां नूं असी फ्राई करांगे। जे हुण तक साडा चैनल सबसक्राइब नहीं कीता तां ओह वी प्लीज़ कर दिओ, नाल ही बैल आइकन जरूर प्रेस कर दिओ ताकि साडे हर वीडियो की नोटिफिकेशन तुहाडे तक पहुँच सके। साड़ी वीडियो आखिर तक जरूर देखा करो कि विच विच बहुत सारी ऐसी गल्लां असीं दसदे हां जो कि डिश नूं बनाने वास्ते बहुत जरूरी होंदियां ने। कई ऐसे मसाले भी होंदे हैं, कई ऐसे मसाले भी होंदे ने जिहड़े असीं आखिर च ऐड करदे, इस करके आखिर तक देखना बहुत जरूरी है। हुण असीं इहदे च लसन जिहड़ा असीं ग्रेट कर रखिया वह ऐड कर देना। सुक्का धनिया देखो जी, ड्राई धनिया सीड्स हाथ से मसल के असीं इस पाते। हुण सारी चीज़ां इकट्ठियां असीं फ्राई करांगे। घी देखो जी असीं 2 टेबल स्पून पहले पाया सी, 3 के असीं होर पाया क्योंकि थोड़ा सानू घट लग रहा सी, यानी कि टोटल असीं 5 टेबल स्पून घी दे पाए हैं। लाल कर पहले असीं तां ज़्यादा नहीं पाया भी ज़्यादा ना हो जाए, भी जदों असीं फ्राई करांगे उस तो बाद पता लगता भी ज़्यादा है या घट है। प्याज लसन देखो जी साढ़े बहुत अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन हो गए। तो हल्दी असी एक छोटा चम्मच असी इहदे च ऐड कर दिता। थोड़ी देर हल्दी नूं असी मिक्स करांगे, इहदा कच्चापन दूर हो जाता, कुछ सैकेंड ही करांगे। थोड़ा जिहा पानी असी ऐड करांगे, इहदे नाल हल्दी का रंग भी आ जाता तो प्याज और लसन अच्छी तरह मैश हो जाएंगे। तो देखो टमाटर जो असी ग्रेट करके रखे से वह भी असी ऐड करते हैं। जब तक असी फ्राई करांगे जी टमाटर पा के, जब तक इहदा घी नहीं निकलेगा, जो घी निकलेगा उस तो बाद असी इहदे च नैक्सट प्रोसैस करांगे। तो असी इन द मीन टाइम असी इहदे च एक छोटा चम्मच असी नमक का पाया, तो कश्मीरी लाल मिर्च एक छोटा चम्मच असी पा दिता जी। बाकी नमक मिर्च अपने टेस्ट मुताबक बाद घट असी पा सकते हो। मसाला देखो घी साडा छट गया, तो असी आलू इहदे च ऐड कर देने ने। इतों असी इन्हें फ्राई करांगे जी, जो घी निकल आएगा उस तो बाद असी इहदा नैक्सट प्रोसैस करांगे। आलू साढ़े फ्राई हो गए जी, हुण असी इहदे च पानी ऐड करांगे। पानी असी ऐड कर दिते, फिर थोड़ा जिहा पानी असी ऐड करना जिहदे च थोड़े आलू ही बस इहदे विच डिप होने चाहीदे ने। कुकर असी देखो जी बंद कर दिता, तो इहदियां 3 असी कंप्लीट विसल्स दवावांगे। उस तो बाद जो स्टीम इहदी कुकर निकलेगी अपने आप, उस तो बाद असी इहनूं खोल के चैक करांगे। 3 विसल्स तो बाद देखो जी स्टीम अपने आप निकल गई, तो असी हुण चैक करते हैं। देखो जी जी आलू साढ़े 90% आलू साढ़े गले पे ने। हुण असी पनीर मिक्स करके तो इहनूं असी इनू गैस ते असी रखांगे। गैस असी ऑन कर दी, तो 5-6 मिनट असी इनू गैस ते रखांगे। फुल फ्लेम ते असी इनू रखिया, थोड़ी जिहड़ी गाढ़ापन भी आ जाएगा ते पनीर च भी टेस्ट सारे मसालियां दा मिक्स हो जाएगा। 5 मिनट देखो जी असी इनू बॉयल कीता सी,
पनीर आलू पनीर मसाला बन के साडा तैयार है। एक छोटा चम्मच असी काली मिर्च दा इच ऐड कीता ते थोड़े जे हरे धनिए दे पत्ते असी ऐड कीते ने। आलू पनीर मसाला देखो जी बन के साडा तैयार है। आलू पनीर मसाला बन के साडा बिल्कुल तैयार है। उम्मीद करते हैं तुहानू पसंद आएगा। एक बारी बना के देखो और कमेंट बॉक्स च अपने कमेंट्स जोड़ दो कि तुहानू कैसा लग्या। थैंक यू वेरी मच।